ना समझ में आएगा उनको। गलत नहीं, इस चीज पे मैं बोलना चाहूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? मोहित राठौर। मोहित राठौर क्या काम करते हो? मैं डांसर हूँ। भैया जी कहीं में भी गड़ा गजब है, कोई हीरो है, कोई आर्टिस्ट है, कोई रुको। मैं छोटे से गांव यूपी 35 से आया हूँ। यूपी 35 उन्नाव। उन्नाव से? अरे अरे भैया निराला जी की जन्म भूख से आयो। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जब से ये सभा आई है ना, ये जब से मोदी जी आए ना इस देश में, मुझे एक सुकून मिला है। मुझे मेरा दिल कहता है जब तक मोदी है तब तक देश है। राठौर जी ऐसी क्या बात, अंदर आओ तुम यार। ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें लगती है कि मोदी जी हैं तो सुकून है? हाँ। कौन सी चीज है ऐसी? मैं जब आज से 2014 की बात बताना चाहता हूँ, जब मैं गांव में गया था यहाँ से दिल्ली से, कुछ नहीं था उस गांव में, ना राशन था। कौन सा गांव है तुम्हारा उन्नाव में? बांगरमऊ। बांगरमऊ? हाँ, बांगरमऊ। हाँ, पोस्ट खमोली, मेरा खमोली गांव है। हाँ। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। और मैं उस गांव में जाता था ना, मुझे ना घर घर में अंधेरा मिलता था। आज? आज मैं जब भी जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि देश कैसे चमक रही है, कहाँ से आ गई और ये लाइट कहाँ से आ रही है और ये राशन कहाँ से मिल रहा है। एक टाइम था मैं भूखा सोता था, मैं भूखा सोता था और मैंने एक टाइम था अपनी पढ़ाई नहीं करी थी, मजदूरी कर करके मैंने लोगों के खेतों में जा जाके मैंने अपने कमाया, तब मुझे 25 रुपए मिलते थे एक दिन के। आज? आज मुझे 5,000-10,000 रुपए मिलते हैं, वो मेरा टैलेंट बाहर निकल के आया है। क्या बात है। मैं एक काम करना चाहूंगा, मैं एक बात कहना चाहूंगा राठौर जी के लिए। डिबेट रोज मैं करता हूँ, लेकिन शो जो है मेरा वो डिबेट का शो नहीं है। मेरा शो ये है कि वो तमाम सारे लोग जो यहाँ आते हैं उनका टैलेंट क्या है वो जरूर जाना, देश जाने, मुल्क जाने, प्लीज इनके लिए क्लैप करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। मैं आया जी, ऑफकोर्स आया जी, मैं आ रहा हूँ जी। जिस तरीके से अभी बहन जी ने कहा, ये शिशु मंदिर में पढ़ी आरएसएस, मैं भी आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर का पढ़ा हुआ हूँ, मेरा कभी माइंड वॉश नहीं किया गया, मैंने कहीं हथगोला नहीं फेंका, कहीं बम नहीं फोड़ा, वहाँ शिक्षा दी जाती है, आतंकवाद नहीं पढ़ाया जाता। और इनके मैं राहुल गांधी जी के लिए एक बात कहूंगा, आज मैंने उनकी स्पीच सुनी, उसमें उन्होंने कहा यह देश मेरी प्रेमिका है, जहां हम लोग जिसको भारत माता कहते हैं उसे वो अपनी प्रेमिका कहते हैं, तो उनकी मंद बुद्धि सोच आप सब। मैं आया जी जी जनाब। राहुल नाम मेरा भी है और राहुल गांधी के बस का भी कुछ नहीं है, वो खान समाज के चले जाएं इटली और उनके बस की नहीं है। क्या काम करते हैं आप साहब? मैं थोड़ा सा अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हूँ। अच्छा, मैन्युफैक्चर काम करना है, काम आपका धंधा है? अच्छा जी, ठीक है। अनुजा बीजेपी से। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, आज जितनी जनता यहाँ पे खड़ी है सब मानते हैं कि मोदी जी ने क्या किया है, मोदी जी ने आपको बचाया है पेंडेमिक में। उन्होंने तो सबसे पहले ये बात कही थी कि क्या मेरे लिए आर्थिक व्यवस्था जरूरी है कि लोगों की जान, और आज आप सब देख सकते हैं कि फ्री वैक्सीनेशन, 80 करोड़ राशन जो आज तक चल रहा है और ये पार्टी भी खा रहे हैं, और हम लोगों को बात यहाँ पर बात करने के लिए आ गए। इन कांग्रेस वालों से पूछो कि G23 को तो पहले मना लो कि हम लोगों को आकर आप भाजपा की बातें सुना रहे हो, आपका रेजोल्यूशन तो खुद पास नहीं हो रहा, आपकी सोनिया गांधी जी तो खुद काम करने को तैयार नहीं, और राहुल गांधी जी जिनको आप पच्चे बना बना कर देते हो कि क्या ट्विटर पे बोल रहे हैं और किस पे क्या बोल रहे हैं। इमरजेंसी का वक्त मत भूलिएगा कांग्रेस साहब। आया, ऑफ कोर्स आया, मैं आप ही के पास आऊंगा। शो मैं आपके एक बात तो ये कि बी आर अम्बेडकर जी, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो जो उन्होंने असेंबली से चुनाव लड़ा था, वो असेंबली बाद में विभाजन के बाद चली गई थी पाकिस्तान में, तब कांग्रेस से एक सीट खाली करके महाराष्ट्र से उनको चुनाव लड़वाया था और बाद में संविधान सभा का अध्यक्ष बनवाया था। तो जो लोग इस तरह की झूठी बातें करते हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, गलत बात है। एक बात, दूसरी बात ये हमें अनुजा, ये अतिवाद नहीं, ये दूसरी बात ये है कि इन लोगों ने देश में एक तबका ऐसा बना रखा है जिसको ये 5 किलो राशन देंगे पर कभी उसे आत्मनिर्भर नहीं बनने देंगे, आत्मसम्मानी नहीं बनने देंगे, उसे हमेशा गरीब बना रहने देंगे। इनसे एक बात पूछना चाहते हैं, बीजेपी जो प्रवक्ता, इन्होंने कहा कि मोदी जी ने बचाया देश को, जब $20 प्रति बैरल यहाँ पर तेल था, इन्होंने कितनी उसमें एक्साइज ड्यूटी लगा, कितना रेट हो गया, क्यों इन्होंने नहीं कम किया, इन्होंने बढ़ाते गए। प्रधानमंत्री जो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के कुछ बोल नहीं सकता, उसकी पार्टी वाले राहुल गांधी पे सवाल उठाते हैं।
मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को स्मरण शक्ति याद दिलाना चाहता हूं कि यह महात्मा गांधी जी थे जिनके कहने पर डॉक्टर अंबेडकर जी को संविधान सभा में रखा गया था। नेहरू जी बिल्कुल नहीं चाहते थे। और नंबर दो, जिस सीट से चुनाव करने की बात हो रही है, मैं नाम बताता हूं, भंडारा और फिर सेंट्रल बॉम्बे, दोनों से हराने के लिए कांग्रेस ने कैसी साजिश रची। और तीसरी बात, जब महात्मा गांधी जी अंबेडकर जी की तरह दलितों के उत्थान की बात कर रहे थे, तब नेहरू जी का स्टेटमेंट था कि आज स्वतंत्रता संघर्ष में ये गांधी जी किस रास्ते पर जा रहे हैं। आठ साल में 80% को गरीबी रेखा से नीचे ला दिया, उनको आप 5 किलो अन्न दे रहे हैं, कह रहे हैं देश तरक्की कर रहा है, ये कमाल की तरक्की आपने बता दी साहब। और दूसरी बात, टीका दे दिया। अरे पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी ढोल बजाया हो तो बताइए, टीका आप दे दीजिए, आपके बस की है। तो अगर आपके जैसे लोग इस वक्त प्रधानमंत्री होते तो क्या आप सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था पे नहीं बात करते? आप देखिए इस पूरे चीज को कि आपके कांग्रेस के इंदिरा गांधी ने क्या किया। उन्होंने तो 42nd अमेंडमेंट कर दिया, उस 42nd अमेंडमेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन हिला दिया पूरा। अनुजा एक मिनट, बंद जी। वो बोल रहे क्या किया, उनसे खुद बताए, उनसे पूछे क्या किया, बताइए आप नेगेटिव या पॉजिटिव, किसी भी उसमें बता दीजिए आप। यूथ के लिए मोदी जी ने क्या किया, अफकोर्स आ रहा हूँ, मैंने बता दीजिए यूथ के लिए मोदी जी ने क्या किया, मैं आ रहा हूँ, अफकोर्स मैं आ रहा हूँ, बताएंगे अनुजा, बताएंगी जी। अनुजा, राइट जी बोलो। पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी, फिर भाजपा सरकार आई, भाजपा सरकार से हमें 1.5 लाख रुपए का हर साल मेरी स्कॉलरशिप आती है, हम जैसे बच्चों को पढ़ने के लिए रोजगार दिया, हम फीस भरते हैं, आज मेरी सैमसंग में इंटर्न है, वो मोदी सरकार की वजह से है। भाई साहब बहुत सपोर्ट किया, 1.5 लाख रुपए। मैं कृषि परिवार से हूँ, मेरे माँ बाप इतना नहीं कर सकते कि वो 2-2 लाख रुपए इंस्टीट्यूशन में फीस दे पाए, 1.5 लाख रुपए मेरे को भाजपा सरकार देती है हर साल का। जी, आपका मान पूछ करी जी। व्यापम घोटाला कहा हुआ, दूसरी बार फिर व्यापम घोटाला हुआ मध्य प्रदेश में, ये विश्व में माना हुआ घोटाला है कि बच्चों के, पढ़े लिखे बच्चों के भविष्य को खरीद। मैम ने कहा कि घोटाला, लोगों ने कहा कि 94 के बाद जब चुनाव हुआ और उसके बाद जब दूसरा UPA का चुनाव हो रहा था तो घोटाला ही घोटाला था। कितनी बड़ी उम्र थी, क्या उम्र थी तुम्हारी? मेरी हाँ, उमर मैं आ रहा हूँ। देखो ये जो बातें हो रही हैं यहाँ, इससे तो मुझे कोई मतलब है नहीं। तुम्हें कोई मतलब नहीं? कांग्रेस ने 70 साल में 70 रुपए पेट्रोल बेचा, 1 रुपया साल का, मोदी जी ने 7 साल में ही 110 रुपए कर दिया, 70 गुना बढ़ा दिया। जय है मोदी मॉडल। अरे तुम तारीफ कर रहे हो या क्या कर रहे हो? मोदी जी रहे तो गरीब और गरीब होगा, मोदी जी रहे तो और गरीब होगा जी।